ब्रह्मांड में काफी सारी मिस्टीरियस चीजें हैं, जिन्हें समझना अभी हम इंसानों के बस की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रियल यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने से पहले वैज्ञानिक ऑलमोस्ट हर मिस्टीरियस चीज को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए ढूंढ लेते हैं। ब्लैक होल्स, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन सभी चीजों को वैज्ञानिकों ने सबसे पहले डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया था, बल्कि उन्हें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ही ढूंढा गया था। बाद में पावरफुल टेलीस्कोप के नेटवर्क की मदद से वैज्ञानिकों ने 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर भी रिलीज की, जो एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम था। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा तारों की है और इनकी वजह से बाकी सारे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। पिछले वीडियो में हमने कुछ बहुत ही विचित्र तरह के तारों के बारे में चर्चा की थी, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। आज हम फिर से कुछ ऐसे तारों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। इनके बारे में भी शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार टाइप 1, थॉर्न जैकब ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स इन स्टार्स। पिछले वीडियो में हमने एक ऐसे तारे के बारे में बात की थी जिसके केंद्र में कोई प्लाज्मा से बना हुआ गोला नहीं बल्कि ब्लैक होल होता है। वो ब्लैक होल तारे को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वो पूरा तारा एक ब्लैक होल में ही बदल जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे ब्रह्मांड में इन तारों के अलावा ऐसे भी तारे हो सकते हैं जिनके केंद्र में कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि एक दूसरा तारा हो? जी हाँ, आपने सही सुना, एक तारे के अंदर एक दूसरा तारा। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि ऐसे भी तारे हमारे ब्रह्मांड में हो सकते हैं और इन्हीं को कहा जाता है थॉर्न जैकब ऑब्जेक्ट्स। इनके बारे में सबसे पहले 1977 में दो वैज्ञानिकों ने पता लगाया था, जिनका नाम था किप थॉर्न और एना जैकब। जैसा कि इनका नाम पढ़कर ही आपको पता चल सकता है कि इन्हीं के सरनेम को मिलाकर इन तारों का भी नाम रखा गया है। अब शायद आपका ये सवाल हो सकता है कि आखिर कैसे एक तारे के अंदर दूसरा तारा फॉर्म हो सकता है। वेल, यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। ये तारे किसी तारे के अंदर फॉर्म नहीं होते बल्कि दो तारों के आपस में टकराने की वजह से बनते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बनने के लिए एक बाइनरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। बाइनरी स्टार सिस्टम एक ऐसा स्टार सिस्टम होता है जिसमें दो तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। हालांकि थॉर्न जैकब ऑब्जेक्ट्स को TZO भी कहा जाता है और इनका निर्माण दो बाइनरी स्टार्स के आपस में टकराने की वजह से होता है। इनमें से एक तारा रेड जायंट और दूसरा तारा न्यूट्रॉन स्टार होना चाहिए, तभी इन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। रेड जायंट बहुत ही विशाल तारे होते हैं जिनकी बाहरी लेयर बहुत पतली होती है और बहुत बड़े एरिया में फैली होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सूर्य खुद भी एक दिन रेड जायंट तारे में तब्दील हो जाएगा और इसका रेडियस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये पृथ्वी तक को अपने अंदर निगल लेगा। अब भले ही ये बहुत ज्यादा डरावना साउंड करता है, लेकिन खुशी की बात ये है कि ये प्रोसेस अभी नहीं बल्कि अरबों साल बाद होना शुरू होगा। तब तक शायद हम इंसान या तो इस ब्रह्मांड से जा चुके होंगे या फिर किसी और प्लैनेट पर रहकर इस नजारे को देख रहे होंगे। खैर, रेड जायंट तारे के बाद आता है न्यूट्रॉन स्टार, जो हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में से एक होता है। इन तारों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड में सबसे डेंस तारों की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अगर आप न्यूट्रॉन स्टार पर जाकर उसका एक चम्मच मैटर बाहर निकालते हैं तो सिर्फ उसका ही वजन पूरे माउंट एवरेस्ट के वजन के बराबर होगा। अगर आसान भाषा में बोलूं तो जितने पार्टिकल पूरे माउंट एवरेस्ट में हैं, उतने पार्टिकल न्यूट्रॉन स्टार के मात्र एक चम्मच में होते हैं। यही कारण है कि ये इतने ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं और इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनसे बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन भी बाहर निकलती है।
जब एक न्यूट्रॉन स्टार और रेड जाइंट तारा एक बाइनरी सिस्टम में होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिससे धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब क्योंकि रेड जाइंट तारा बहुत ही ज्यादा विशाल होता है, इसलिए वो न्यूट्रॉन स्टार के कॉन्टैक्ट में पहले आ जाता है। कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो न्यूट्रॉन स्टार को धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर खींचता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब न्यूट्रॉन स्टार ही इसका केंद्र बन जाता है। अब ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि थॉर्न जेकब ऑब्जेक्ट्स को फॉर्म होने के लिए न्यूट्रॉन स्टार को रेड जाइंट के केंद्र तक जाना ही पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूट्रॉन स्टार रेड जाइंट के बाहरी एरिया तक ही रहे और इसी पोजीशन पर एक TZO को फॉर्म कर ले। वैज्ञानिकों के एस्टिमेटेड कैलकुलेशन के मुताबिक इन ऑब्जेक्ट्स का द्रव्यमान सूर्य से 100 गुना ज्यादा होगा और इनकी रेडियस सूर्य के मुकाबले 1.5 से 3 गुना ज्यादा होगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी भी इन तारों को रियल ब्रह्मांड में नहीं ढूंढा है और ये सिर्फ थ्योरी और मैथमेटिक्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। आमतौर पर ब्रह्मांड में ऑलमोस्ट हर तरह के तारे करोड़ों अरबों साल से जिंदा रहते हैं, लेकिन ये तारे मात्र कुछ हजार से कुछ लाख सालों तक ही अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरे तरीके से स्टेबल नहीं होते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर हम इन तारों को असली ब्रह्मांड में ढूंढ लेते हैं तो हमें मैटर के नेचर और बिहेवियर के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी। इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि डेंस कंडीशन में मैटर किस तरीके से बिहेव करता है। स्टार टाइप 2, डार्क स्टार्स, डार्क मैटर स्टार्स। शायद इन तारों का नाम सुनकर आपको ऐसा लगे कि ये तारे डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तारे भी बिल्कुल नॉर्मल तारों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके एनर्जी प्रोड्यूस करने का तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक और एक्सोटिक होता है। इन्हें भी अभी तक रियल ब्रह्मांड में नहीं ढूंढा गया है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि शायद ये ब्रह्मांड के शुरुआती समय में जरूर रहे होंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि एक आम तारा न्यूक्लियर फ्यूजन नाम के एक रिएक्शन के जरिए अपने केंद्र से एनर्जी को बाहर की ओर रिलीज करता है। जब दो कम हैवी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो वो आपस में जुड़कर एक हैवी पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तारों के केंद्र में आमतौर पर दो हाइड्रोजन पार्टिकल आपस में मिलकर हीलियम के पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों के ही आपस में मिलने की वजह से बहुत भारी मात्रा में हीट और लाइट रिलीज होती है। यही एक तारे का फ्यूल होता है जिससे वो चमक पाता है और रेडिएशन को बाहर छोड़ पाता है। लेकिन डार्क स्टार्स इनसे काफी ज्यादा यूनिक और अलग होते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हमारा ब्रह्मांड नया नया था तो यहाँ पर बहुत विशाल धूल और गैस के बादल हुआ करते थे। वो बादल आज भी हमें हमारे ब्रह्मांड में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इतने विशाल नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। पहले के बादलों में एक और खास बात ये थी कि उसमें भारी मात्रा में डार्क मैटर भी हुआ करता था। जब भी ये धूल और गैस के बादल एक तारे की फॉर्मेशन करना शुरू करते थे तो उस तारे के केंद्र में डार्क मैटर भी आ जाता था। वैज्ञानिक बताते हैं कि डार्क स्टार्स ऐसे तारे होते थे जिनके केंद्र में हाइड्रोजन नहीं बल्कि डार्क मैटर ही होता था और यही इनके एनर्जी का सोर्स होता था। जब दो डार्क मैटर के पार्टिकल्स आपस में टकराते थे तो वो बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते थे, जिससे इस तारे को ब्राइटनेस एंड हीट प्रोवाइड होती थी। अब इन तारों का सोर्स डार्क मैटर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन तारों से निकलने वाली लाइट भी डार्क होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल तारों की तरह ही चमकते थे, लेकिन इनके केंद्र में होने वाले प्रोसेस नॉर्मल तारों के मुकाबले पूरी तरीके से अलग होते थे। जिस तरह से नॉर्मल तारे न्यूक्लियर फ्यूजन नाम के रिएक्शन से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही डार्क स्टार्स अपनी एनर्जी को एनाइलेशन के प्रोसेस से क्रिएट करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तारे बहुत ज्यादा भारी भी हुआ करते थे।
एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन के मुताबिक इन तारों का द्रव्यमान हमारे सूर्य के मुकाबले 10,000 गुना से भी ज्यादा हुआ करता था, जो बहुत ही ज्यादा है। हालांकि इन तारों की डेंसिटी नॉर्मल तारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम होती थी। यही कारण है इनकी रोटेशनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्लो होती थी और इनकी सरफेस ग्रेविटी बहुत ज्यादा वीक होती थी। इन तारों की जिंदगी भी विशाल तारों की तरह ही छोटी होती थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो तारा जितना ज्यादा विशाल होता है उसका अंत भी उतना ही जल्दी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में एनर्जी को बाहर रिलीज करता है और अपनी एनर्जी को खत्म करता चला जाता है। खैर, एक अलग तरह की जिंदगी जीने के बाद ये तारे भी नॉर्मल तारों की तरह एक ब्लैक होल में ही कन्वर्ट होते थे। जिन तारों का भी बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है वो हमेशा ब्लैक होल में ही कन्वर्ट होते हैं। वैज्ञानिकों ने फिलहाल तो इन्हें ब्रह्मांड में नहीं ढूंढा है, लेकिन वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके इन तारों के कुछ ट्रेस ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड का CMB है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े धमाके से बना था, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। जिस मैप को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि इसी धमाके का अंश है, जिसे स्टडी करके वैज्ञानिक हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स का पता लगाते हैं। स्टार टाइप 3 आयरन स्टार्स। जैसा कि इन तारों के नाम से ही पता चलता है कि ये तारे पूरी तरीके से लोहे के बने होते हैं। आप इन्हें एक बहुत ही विशाल लोहे की गेंद भी कह सकते हैं। इन तारों की भी फॉर्मेशन एक नॉर्मल तारे के ही जैसे होती है, लेकिन इनका जीवन नॉर्मल तारों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग होता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक तारे का अंत सुपरनोवा नाम के एक एक्सप्लोजन से होता है, जिसमें उस तारे की बाहरी लेयर केंद्र में सिमटने लगती है। आयरन स्टार्स की फॉर्मेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये दरअसल एक तारे का ही केंद्र होता है, जिसकी बाहरी लेयर अंतरिक्ष में सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से बिखर चुकी होती है। जब भी किसी तारे का अंत होता है तो उसके केंद्र में हमेशा लोहा ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहा ही एक ऐसा एलिमेंट है जो आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से तारे का रेडिएशन प्रेशर अचानक से खत्म हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। इसी के बाद सारा मैटर केंद्र में आकर इकट्ठा हो जाता है। अगर तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है तो उससे ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर उससे कम होता है तो एक न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन होती है। न्यूट्रॉन स्टार और आयरन स्टार में बहुत ही कम डिफरेंस होते हैं। आयरन स्टार का केंद्र तारे के खत्म होने के बाद भी कोलैप्स करता रहता है और अंत में एक ब्लैक होल में ही कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि इन तारों को ब्रह्मांड में ढूंढना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही कठिन काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तारे पूरी तरीके से लोहे से बने होते हैं और कोई भी हीट और लाइट अंतरिक्ष में रिलीज नहीं करते हैं। अब अगर कोई तारा अंतरिक्ष में किसी भी रेडिएशन को रिलीज ही नहीं करेगा तो उसे देखना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। हालांकि इन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए जरूर ढूंढा जा सकता है। भले ही इन तारों के पास अपनी लाइट और हीट ना होती हो, लेकिन ये ग्रेविटेशनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करके इनकी खोज जरूर की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत ही आधुनिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो अभी भी उनके पास नहीं है। इन तारों का साइज भी बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से ही इन्हें डिटेक्ट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका डायमीटर 10 किलोमीटर के ही आसपास होता है, जो ब्रह्मांड के लेवल पर बहुत ही ज्यादा कम है। इतनी छोटे ऑब्जेक्ट को इतने विशाल ब्रह्मांड में ढूंढना एक सुई को कूड़े के ढेर में ढूंढने के बराबर है। न्यूट्रॉन स्टार और इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि न्यूट्रॉन स्टार बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन को रिलीज करते हैं, जबकि ये तारे ऐसा कुछ नहीं करते। आयरन स्टार्स के केंद्र में भी बहुत भारी मात्रा में न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं,
लेकिन ऐसा होने के बावजूद वो न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील नहीं हो पाते। न्यूट्रॉन स्टार भले ही बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो, लेकिन वो काफी ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। वो अपनी एक्सिस पर एक सेकेंड में 600 रोटेशन तक लगा सकते हैं, लेकिन आयरन स्टार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और ब्लैक होल में तब्दील होने की कगार पर होते हैं। खैर, ये थे हमारे ब्रह्मांड में कुछ सबसे विचित्र तरह के तारे। कुछ तारे पूरी तरीके से लोहे से बने हुए हैं, तो कुछ किसी दूसरे तारे के अंदर बसे हुए हैं। वैसे अगर आपको अपना खुद का तारा बनाने का मौका दिया जाए तो आप किस तरह का तारा बनाना पसंद करेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।